व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एल्जाइम सिरप के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका प्राइस कुछ 84 रुपीज़ के आसपास है, आपको आसानी से मिल जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है ये गाइज, और इसमें आपको मिलेगा गाइज फंगल डाइजेस्टेज और पेप्सिन। फॉर ईच 5 ml में आपको फंगल डाइजेस्टेज 12.5 mg का मिलेगा और पेप्सिन 7.5 mg का मिलेगा गाइज। और गाइज, इसके यूजर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सारा कुछ चीज़ें मैं ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरी इस वीडियो को जोर से लाइक करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो गाइज, चलिए बात करते हैं इसके यूजर्स के बारे में। तो गाइज, इसका जो कंपोजिशन है वो है गाइज फंगल डाइजेस्टेज एंड पेप्सिन। जो फंगल डाइजेस्टेज है गाइज, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पेप्सिन का, ये मेनली गाइज लॉस ऑफ एपेटाइट के केसेस में, लॉस ऑफ एपेटाइट जिन पेशेंट को हो जाता है ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज और स्टोमक फुलनेस, इनडाइजेशन। और जो फंगल डाइजेस्टेज है गाइज, वो हमारे बॉडी में क्या करता है ना गाइज, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और जो पेप्सिन है गाइज, वो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में ये मदद करता है, जो पेप्सिन है गाइज। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन और स्टोमक फुलनेस, और जिन पेशेंट्स को गाइज कुछ बीमारियों की वजह से भूख नहीं लगता है सही तरीके से, या कुछ क्रॉनिक डिजीज की वजह से जब भी वो रिकवर होते हैं उस टाइम पे ठीक से नहीं खा पाते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है, स्टोमक फुलनेस रहता है, उन केसेस में डॉक्टर वो पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं गाइज। तो गाइज, अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में गाइज, अगर आप इसकी ज़ोरों से ज़्यादा डोजेस को लेते हैं विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, तो गाइज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही इसको ले, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन इसको ना ले गाइज। और गाइज मैं बता दूं कुछ साइड इफेक्ट इसका है, जैसे एब्डोमिनल पेन, स्टोमक अपसेट, डायरिया, नोजिया और पेन व्हाइल यूरिनेशन, इस टाइम पे आप इसी तरह आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको इसको लेने के बाद ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रहा है तो इसको बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उनसे सलाह जरूर ले गाइज। तो गाइज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को, या अगर आपकी सर्जरी होने वाला है, या कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आपको एलर्जिक हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। और अगर आपको डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं तो ही आप इसको लें। तो सिर्फ मैंने आपको बताया इसके यूजर्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, और डॉक्टर की बिना एडवाइस इसको ना लें। जैसे भी मैंने आपको बताया सारा चीज़ें कि इसका कंपोजिशन के बारे में, सारा कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, और डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के बाद ही आप इसको लें गाइज, क्योंकि ये मेडिसिन है गाइज, मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। इसलिए पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि इनडाइजेशन, स्टोमक फुलनेस या लॉस ऑफ एपेटाइट, इन केसेस में डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो ही इसको लीजिए गाइज। ये जो चीज़ है गाइज, फंगल डाइजेस्टेज एंड पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स है गाइज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मेनली अपनी डाइजेशन का इशू जिन पेशेंट्स को रहता है, डाइजेस्ट सही तरीके से उनका फूड नहीं होता है उनके बॉडी में, तो उन केसेस में डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं उन्हीं पेशेंट्स को गाइज। और इनडाइजेशन, स्टोमक फुलनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट, जिनको सही तरीके से भूख नहीं लगता है, खाना नहीं पचता है तो उनको सही तरीके से भूख भी नहीं लगता है, उन केसेस में डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए और उनका जो डाइजेशन है वो बेटर हो पाए गाइज। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज, ताकि आगे भी इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे। तो टेक केयर गाइज, स्टे फिट स्टे हेल्दी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल।